أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيد الأولين والآخرين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. صلوات الله. ایک مرتبہ پھر سے برادران عزیز، ہمارا عنوان گفتگو ہے مقام ختم نبوت اور انسان. اس عنوان پر گفتگو کے لیے جو سرنامہ قرآنی ہے وہ سورہ مبارکہ کہف کی آخری آیت ہے، جس میں ارشاد الہی ہے کہ اے میرے نبی، اے میرے خاتم، اے میرے خاتم، آپ کہہ دیجئے، اعلان کر دیجئے کہ میں ایک بشر ہوں تمہارا ہی جیسا. مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے، اور وحی یہ نازل ہوتی ہے کہ معبود بس ایک ہے، تمہارا معبود بس ایک ہے، اور جو بھی اپنے رب کی بارگاہ میں بار یابی کا آرزو مند ہو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ عمل صالح بجا لائے اور اپنے رب کی عبادت میں شرک نہ کرے. کل میں نے عرض کیا تھا کہ اس آیت کریمہ کے ضمن میں بہت سے مطالب عرض کیے جا سکتے ہیں اور متعدد مستقل علوم منشعب ہوتے ہیں، یعنی ایک ایک فقرہ آیت کا ایک ایک علم کا شعبہ کھول دیتا ہے، ایک ایک در کھول دیتا ہے. یوحا الیہ کا فقرہ وحی کی حقیقت جاننے کے لیے انسانی ذہن کو آمادہ کرتا ہے. کیا شے ہے جسے وحی کہتے ہیں، اور وہ کون بشر ہوتے ہیں جن پر وحی آتی ہے؟ یہ سوچنے کے لیے فطری طور پر، منطقی طور پر انسانی ذہن آمادہ ہو جاتا ہے کہ اعلان ہو رہا ہے میں بشر ہوں تمہاری طرح، مگر مجھ پر وحی نازل ہوتی. ہر بشر سوچ سکتا ہے کہ بشر تو میں بھی ہوں، مگر مجھ پر وحی کیوں نہیں نازل ہوتی؟ زیادہ تفصیل میں نہ جائے اگر انسان، دیانت داری کے ساتھ اتنی ہی بات سوچتا رہے تب بھی یہ کہنے کی جرأت نہیں کر سکتا کہ وہ بشر مجھ جیسا ہے.
फ़लसफ़ियाना गहराइयाँ और आरिफाना दकीक़ा संजियाँ और कलामी मूशे गाफियाँ और बलागी जरफकारियाँ, इनमें जाए बग़ैर अगर इंसान साहिब कल्ब सलीम है, अगर इंसान की फ़िक्र मुस्तकीम है, तो वो इसी आयत से अपना और उनका फ़र्क पहचान लेगा। हम बशर कहलाते हैं मगर हम पर वही नहीं आती, वो कैसे बशर हैं कि उन पर वही आती, वो कौन बशर हैं कि उन पर वही आती। असलन हकीकत बशरियत ज़ेर गौर आएगी कि क्या हकीकत बशरियत मक़ूले तशकीकी है या मक़ूले मुतवाक़ी है, क्या हकीकत बशरियत दो मरातिब है, क्या हकीकत बशरियत एक है जो मुझ में और उनमें मुश्तरक है या इसमें मरातिब हैं। मरातिब हैं, अगर मरातिब हैं अपने और उनके दरमियान मरातिब के जो कायल नहीं हैं, वो अपने जैसे और बहुत से बहुत सों के दरमियान बहुत से मरातिब के कायल हैं। मुख्तलिफ़ हवालों से, ज़मीनी हवालों से, ज़बानी हवालों से, ज़मानी हवालों से, ओहदे और मनसब के हवाले से, सरमाया व सरवत के हवाले से, सियासत व सकाफत के हवाले से, इख्तदार व हुकूमत के हवाले से, कितने तफावत के कायल हैं, कितने इम्तियाजात के कायल हैं, हैं आपस में इतने इम्तियाजात के कायल, एक दूसरे के से मिलने के काबिल नहीं समझते, इज़्ने बारियाबी नहीं देते, गुफ्तगू नहीं करते। अगर किसी का बड़ा दफ्तर है तो उतने ही सेक्रेटरी होंगे, और एक गरीब मिस्कीन आम आदमी उनसे गुफ्तगू करने के लिए तरस जाएगा। एक मरतबा टेलीफोन कीजिए तो एक सेक्रेटरी उठाता है, दूसरी मरतबा टेलीफोन कीजिए दूसरा सेक्रेटरी उठाता है, तीसरी मरतबा टेलीफोन कीजिए तीसरा सेक्रेटरी उठाता है, हैं? और बहरहाल उन हज़रत आला से गुफ्तगू नहीं हो सकती, न उनकी आवाज़ सुन सकते हैं, न उनको अपनी फरियाद पहुंचा सकते हैं, इतने हिजाबात दरमियान में हैं। और साहिब मनसिब नबुव्वत, साहिब ख़त्म नबुव्वत हबीब किबरिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके लिए ये इसरार है कि वो बस हमारे ही जैसे थे, बस हमारे ही जैसे थे। बहरहाल बरी नक़्ल व दानिश बेबायत ग्रीस्त, इस अक़्ल व दानिश पर रोने का दिल चाहता है, रोना चाहिए। वो बशर हैं, हकीकत बशरियत ख़ुद एक मुफसल बहस है। जो मैंने कहा ये दो इस्तिलाहें मैंने इल्मी इस्तेमाल करनी कि ये मक़ूले तशकीकी है, मक़ूले मुतवाक़ी है, यानी एक हकीकत है जिसमें अफराद मुख्तलिफ़ मुतबाइन हैं, या एक ऐसी हकीकत है जिसमें मरातिब हैं। मरातिब वो हकीकत होती है ज़ू मरातिब के, जैसे कोई हकीकत जो ज़ात मरातिब होती है वैसे ही है, जैसे नूर, जैसे वजूद, वजूद सबको हासिल है, ज़र्रात को भी वजूद हासिल है, जमादात को वजूद हासिल है, नबातात को वजूद हासिल है, हैवानात को वजूद हासिल है, इंसान को वजूद हासिल है,
यहीं तक रुक जाइए, क्योंकि इंसान के ऊपर तो जो हकीकतें हैं वो इंसान को नज़र नहीं आती। हकीकतें हैं मगर नज़र नहीं आती। अरचंद के इंसान पर ये लुत्फ़ किबरिया है कि उसने दो तरह की आँखें दी हैं इंसान को। एक आँख वो दी है जो इंसान को जिस सतह पर वो है उससे नीचे की चीज़ें दिखाती है, एक आँख वो दी है कि जिस सतह पर इंसान है उससे ऊपर की चीज़ें दिखाती है। वो आँख जो इंसान को उसकी सतह और उससे नीचे की चीज़ें दिखाती है वो ये ज़ाहरी आँख है, ये मादी आँख है। वो आँख जो इंसान को उसकी सतह वजूद से ऊपर की हकीकतों को दिखाती है वो दिल की आँख है, वो अक्ल की आँख है, वो इल्म की आँख है। दोनों आँखें अता की हैं, दोनों आँखें अता की हैं हज़रत हक़ सुबहानहू व तआला। ये इंसान है जो अपनी एक आँख को बंद कर लेता है, एक आँख से काम लेता है और वो भी पूरी तरह काम नहीं लेता, वो भी पूरी तरह काम नहीं लेता। अफसोस इस बात का। तो ये इंसान है, लेकिन बहरहाल अगर जमादात से इंसानों तक के फासले को देखें तब भी वजूद सब में मुश्तरक है। आप इस सादा से कज़िये पे गौर कीजिए, इस प्रोपोजिशन पे गौर कीजिए, ये कज़िया मंतिकी। अगर आप किसी चीज़ के वजूद को सबूत को साबित करना चाहें तो क्या कहेंगे? कहेंगे सहरा वजूद रखता है, दरिया वजूद रखता है, दरख्त वजूद रखता है, पहाड़ वजूद रखता है, दरिंदा हैवान वजूद रखता है, परिंदा वजूद रखता है, इंसान वजूद रखता है। ये तमाम क़ज़ाया में मौजू बदलते चले गए, महमूल एक है। सहरा, दरिया, दरख्त, पहाड़, हैवान बदलते चले गए मगर ये सब में मुश्तरक क्या है? वजूद रखता है, वजूद रखता है, वजूद रख, वजूद मुश्तरक है ना। वजूद एक ही वजूद है जो सब में पाया जाता है मगर उसके मरातिब हैं, मगर उसके मरातिब हैं। चूँकि वजूद मुश्तरक है इसलिए क्या मजाल है जमादात की कि वो इंसान को अपना जैसा समझ ले? बिल्कुल इल्मी और मंतिकी और अक्ली गुफ्तगू है, कॉमन सेंस से भी आप अगर काम लें तो बात समझ में आ जाएगी। वजूद मुश्तरक है, इन जुमलों में क्या फ़र्क है? पहाड़ वजूद रखता है, इंसान वजूद रखता है, दोनों वजूद रखता है। तो अब हमें क्या मालूम कि वजूद वजूद में क्या फ़र्क है? जैसे हम पहाड़ से सलूक करते हैं अगर वैसे ही इंसान से करने लगें इंसान एहतजाज करेगा ये क्या हो रहा है, मुझे पत्थर समझ रखा है। हम कहेंगे कि फ़र्क क्या है आप में और उसमें? ये भी वजूद रखता है, वो भी वजूद रखता है। कहेंगे आपको मालूम नहीं वजूद जू मरातिब है, उसका वजूद कहाँ मेरा वजूद कहाँ? अब अगर आप भी बशर हैं और नबी को भी कहा गया बशर हैं तो आप कहाँ बशर, वो कहाँ बशर? सलावत पढ़ दीजिए मोहम्मद। फ़र्क है आपके वजूद में और पत्थर के वजूद में, कितना फ़र्क है आपके वजूद में और नबातात के वजूद में, कितना फ़र्क है आपके वजूद में और हैवानात के वजूद में, कितना फ़र्क है? इतना फ़र्क है कि वजूद वो भी रखता है, वजूद आप भी रखते हैं, वो आप पर तसर्रुफ नहीं कर सकता, आप उस पर तसर्रुफ कर सकते। वजूद
مشترک ہے توجہ رکھیے وجود مشترک ہے وہ بھی وجود رکھتا ہے آپ بھی وجود رکھتے ہیں مگر وہ پتھر آپ کی ذات میں تصرف نہیں کر سکتا آپ پتھر کی ذات میں تصرف کر سکتے ہیں آپ جس پتھر کو چاہیں جس طرح تراش کر بت بنا دیں آپ جس پتھر کو جس طرح چاہیں تراش کر اپنی صناعی کا ثبوت دیں درخت بھی وجود رکھتا ہے آپ بھی وجود رکھتے ہیں مگر آپ کا وجود درخت کے وجود پر تصرف کر سکتا ہے آپ چاہیں تو درخت لگے گا آپ نہ چاہیں تو درخت نہیں لگے گا آپ چاہیں درخت کو باقی رکھیں آپ چاہیں درخت کو کاٹ دیں بہرحال درخت پر آپ تصرف کر سکتے ہیں درخت آپ پر تصرف نہیں کر سکتا تصرفات انسان دیکھ رہے ہیں آپ سائنس نے ترقی کی درخت پہلے ایک پھل ہوا کرتا تھا آم اب آم کی کتنی قسمیں ہیں ان قسموں میں انسان کا تصرف کتنا ہے انسان کا تصرف ہے یا نہیں یہی گندم گندم کی کتنی قسمیں ہیں اس میں انسان کا تصرف ہے یا نہیں انسان اپنی سائنسی قوت سے اس میں تصرف کر رہا ہے یا نہیں کس قوت سے سائنسی قوت سے سائنسی قوت یعنی کیا یعنی علمی قوت انسان اگر تصرف کر رہا ہے تو علمی قوت سے کس قوت سے علمی قوت سے علمی قوت سے تصرف کر رہا ہے جمادات پر اور نباتات پر اور حیوانات پر جس سرکش کو چاہیں اگر انسان عزم کر لے کہ اس کو رام کرنا ہے رام ہو کر رہے گا بس توجہ رکھیے گا میں مثالیں دیتا چلا جاتا ہوں جن حقیقتوں کے لیے مثالیں ہوتی ہیں آپ کا ذہن پہنچتا چلا جاتا یہ انسان ہے یہ انسان ہے حیوانات پر تصرف رکھتا ہے وجود مشترک ہے وجود مشترک ہے وہ بھی موجود وہ بھی وجود رکھتا ہے انسان بھی موجود انسان بھی وجود رکھتا ہے مگر انسان جو وجود رکھتا ہے وہ انسان حیوان پر تصرف کر سکتا ہے انسان چاہے تو ہاتھی پر اقتدار قائم کر لے انسان چاہے تو شیر پر درندے پر اقتدار قائم کر لے شیر پر شیر کو رام کر لے اپنا مطیع بنا لے ایک سے ایک درندہ حیوان کو انسان مطیع کر سکتا ہے ایک سے ایک گزندہ حیوان کو انسان مطیع بنا سکتا ہے نقصان پہنچانے والے کو مطیع بنا سکتا ہے مگر یہ تبھی جب انسان چاہے جب انسان چاہے جب انسان چاہے اور انسان مکلف نہیں ہے انسان یہ ارادہ کر لے یہ چاہے اور چاہتا کب ہے انسان جب ضرورت محسوس کرے اگر انسان ضرورت محسوس کرے اور ارادہ کر لے تو یہ کام کر کے دکھا سکتا ہے یعنی انسان تصرف کر سکتا ہے اپنے سے کمتر سطح وجود پر پائے جانے والے موجودات پر انسان تصرف کر سکتا ہے بس اسی کی مثال ہے عام انسان بشر ہے امام بھی بشر ہے نبی بھی بشر ہے مگر عام انسان میں اور نبی و امام میں فرق یہی ہے کہ نبی
आम इंसान में तसर्रुफ कर सकता है, आम इंसान नबी की ज़ात में तसर्रुफ नहीं कर सकता। भाई ये एक जुमला छोटा सा है मगर इसमें मतालिब बहुत है। इंसान पर नबी तसर्रुफ करता है, तसर्रुफ रखता है। कुरान मजीद ने यही कहा। सूरह मुबारक अहज़ाब पढ़ लीजिए, दूसरे मकामात पढ़ लीजिए कि नबी जो है वो औला बित्तसर्रुफ है, वो तसर्रुफ का हक रखता है। लेकिन दो तरह के तसर्रुफात हैं, दो तरह के तसर्रुफात हैं। एक ये है कि आप जाते हैं और देखते हैं कि जानदार हैवानात हैं, उनके पास पानी नहीं है, ग़िज़ा नहीं है, तो आप उनको पानी और ग़िज़ा दे देते हैं। ये अमूमी तसर्रुफ है, ये अमूमी तसर्रुफ है, ये मिन बाब लुत्फ है, ये असबाब लुत्फ है। हैवानात को पानी देना, दाना देना। लोग समंदर के किनारे, दरिया के किनारे जाते हैं, मछलियों के लिए दाना डाल देते हैं, ग़िज़ा डाल देते हैं, और सहराओं में जाते हैं, मुख्तलिफ मकामात पे जाते हैं, परिंदों के लिए दाना डाल देते हैं सदक़े के तौर। और अगर कोई ज़िम्मेदार बना दिया जाए सिर्फ इसका, अगर ज़िम्मेदार बना दिया, कोई हुकूमत है, हुकूमत ने एक मिनिस्ट्री मुकर्रर कर दी कि ये फॉरेस्ट के हिफाजत के लिए और वाइल्ड लाइफ की हिफाजत के लिए हैं, तो अब उनका काम है हिफाजत, वो हिफाजत करेंगे है? लेकिन हिफाजत की अगर ज़िम्मेदारी दी गई है तो हिफाजत में ये शामिल नहीं है कि तमाम जंगल के शेरों को पकड़कर उन्हें ट्रेनिंग दी जाए, इस काबिल बनाया जाए कि वो आपकी सवारी के काबिल हो जाएं। ये ज़िम्मेदारी आयद नहीं होती है। और हमारे यहाँ बहरहाल मिसालें हैं, आपका जहन दूर तक जा रहा है। मैं अगर इसी तरह मिसालें देता चला जाऊँ तो आप तो, चूँकि आपकी जहानतें ज़िक्र आले मोहम्मद की फ़ज़ा में परवान चढ़ी हैं, इसलिए आपकी क़ुव्वत दर्राका, आपका तअक्कुल, आपका तफक्कुर, आपका हद्स, आपकी क़ुव्वत फ़िक्र इतनी बालिदा है कि मैं जो कुछ कहता हूँ नतीजा आप समझ लेते हैं। मगर बहुत से सामईन ऐसे होंगे जो हैरान होते होंगे, शजदर रह जाते होंगे कि ना उन्होंने कहा कुछ भी नहीं, यहाँ नारे लगने लगे। बिला तशबीह मैं अर्ज़ करता हूँ, बिला तशबीह कुरान मजीद में एक मकाम पर हकायत की गई है बाज़ ऐसे अफराद की कि जो मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा सुनते थे, और खुतबा सुनने के बाद कुछ लोग वज्द करते थे, महजूज होते थे, कुछ लोग अपने वजूद में बुलंदी महसूस करते थे, सुखनान पैगंबर सुनकर नूरानियत महसूस करते थे, जहन मुनव्वर होते थे, कल्ब मुनव्वर होते थे, हुजूर की बातें सुनकर आँखों से आंसू जारी हो जाते थे, इस तरह के परवरदिगार ने उनकी तारीफ़ की है कि देखो सच्चे मोमिन तो वो होते हैं कि जो हमारी आयतों की तिलावत जब की जाती है तो बेख्तियार रोते हैं और रोते रोते सजदों में गिर पड़ते हैं। कुरान मजीद में दाद दी गई है। मगर वहीं ऐसे भी अफराद होते थे कि कुरान मजीद ने हकायत की, मस्जिद से निकलते थे खुतबा ख़त्म होने के बाद तो कहते थे माजा काला आनेफन, ये अभी क्या कह रहे थे। कुरान है, ये रिवायत नहीं है, कुरान माजा काला आनेफन, ये अभी क्या कह रहे थे। और फरमाया बहरहाल तो मैं अगर मिसालें देता हुआ आगे बढ़ूं तो पूरा वक्त सर्फ हो जाएगा,
और जिसकी खातिर मिसालें दी जा रही हैं वो तज़किरा रह जाएगा। इंसान बशर है, नबी और इमाम भी बशर हैं, मगर उन्हें हक़ तसर्रुफ़ अता किया गया है। एक तसर्रुफ़ उमूमी है, हिदायत देना, हर एक को उस हकीक़त से आशना करना जिस हकीक़त का नाम माबूद बरहक है, अल्लाह सुबहानहु व तआला की मारिफत अता करना, मबदा का शऊर अता करना, उस तरफ बुलाना, उस तरफ आवाज़ देना, और अंजाम कार से डराना, अंजाम कार से मुतनब्बिह करना, देखो कहीं से आए हो उसको भूलना नहीं, कहीं जाना है रास्ता भटकना नहीं, मंजिल के बजाय कहीं और न चले जाना। तुम्हारी मंजिल बहिश्त है, तुम्हारी मंजिल फिरदौस है, तुम्हारी मंजिल ज़ात हक़ सुबहानहु व तआला तक पहुँचना है। मैंने ठहर कर एक जुमला कहा और फिर ठहर गया, कहीं मैंने ये जुमला ज़रूर कहा होगा, फिर कह रहा हूँ, हमारी और आपकी आखिरी मंजिल बहिश्त नहीं है, हमारी और आपकी आखिरी मंजिल है बारगाह हक में बारियाबी। हमें सिर्फ अल्लाह की आरजू होनी चाहिए, अल्लाह की आरजू होनी चाहिए, यानी हमें जन्नत की नहीं खालिक जन्नत की आरजू होनी चाहिए। खालिक बहिश्त की आरजू होनी चाहिए, और जब बहिश्त देखेगी, बहिश्त भी मखलूक है, हम भी मखलूक हैं, बहिश्त खालिक है कि मखलूक, बहिश्त मखलूक है, हम क्या हैं, मखलूक हैं, वो भी मखलूक, हम भी मखलूक, वो हमसे बरतर है मगर वो भी मखलूक है, हम भी मखलूक, इसलिए हमें आरजू होनी चाहिए खालिक की। अगर खालिक की आरजू में हम दर्जे कमाल तक पहुंच गए तो फिर हम जन्नत के आरजूमंद नहीं होंगे, जन्नत हमारी आरजू। अगरचे ये जुमले मोतरजा के तौर पे दरमियान में आ गया, मौजू मेरा कुछ और है, मगर जब ये जुमला आ गया है इस मकाम पर तो फिर ज़रा सी वजाहत और कर दूँ कि उरफा का मसलक, उरफा की तालीमात ये क्यों हैं कि तुम जन्नत की आरजू में इबादत ना करो, खालिक जन्नत की आरजू रखो, अल्लाह की तलब रखो, अल्लाह की तलब रखो, तुम्हें चाहत तलब जस्तजू आरजू तमन्ना सिर्फ अल्लाह सुबहानहु व तआला की होनी चाहिए। ये क्यों ज़ोर देते हैं, इसलिए कि बहरहाल जन्नत का तसव्वुर जो है वो राहत व आयश से तवाम है, जन्नत इशरत कदा है मोमिन के लिए, जन्नत आसाइश की जगह है, वहाँ हर तरह की लज्जतें मैसर होंगी। अगर इंसान, और आप तज़िया कीजिएगा, नफ्सियाती मुतालआ कीजिएगा, अगर मुख्तलिफ इंसानों का मुख्तलिफ गुफ्तगुओं में मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र का और उनके बानियों का अगर मुतालआ करें, जिन लोगों ने मुख्तलिफ फ़लसफ़े पेश किए हैं और फ़लसफ़ी के तौर पर दुनिया में एक शनाख्त और पहचान रखते हैं, अगर उनके ज़हनी सफ़र का मुतालआ करें, आप तनकीदी मुतालआ करें, तो इस नतीजे तक पहुँचेंगे कि बहुत से वो हैं कि जिन्होंने आयश कोशी का फ़लसफ़ा ही पेश किया, यानी इंसान अगर बहिश्त की आरजू में ज़िंदगी बसर करने का आदी हो जाए तो फिर वो फ़िक्र, वो आरजू, वो तलब उसकी फ़िक्र और उसके अमल पर असरअंदाज होती चली जाएगी, और इस दुनिया में भी राहत पसंद हो जाएगा, राहत तलब हो जाएगा,
लेकिन इस्लाम ये नहीं चाहता कि इंसान राहत तलब या राहत पसंद हो जाए, इसलिए कि राहत पसंदी में जवाल है। जो खुदा तलबी रखते हैं वो फिर राहत पसंद नहीं होते। जो भी मुश्किल राह में आएगी उसे तय करेंगे, जो भी मुसीबत आएगी उसका मुकाबला करेंगे। जब ये कैफियत हो तो फिर मुसीबतें खुद पीछे हटने लगती हैं, राहतें खुद कदम चूमने लगती हैं। मगर इसके लिए उलुल आजमी दरकार है। इंसान में उलुल आजमी बाकी रहे, इंसान उलुल आजम रहे, उसका इरादा पुख्ता रहे, उसका मतमह नज़र बुलंद रहे, इसलिए ज़रूरी है कि अल्लाह तलबी हो, अल्लाह तलबी। बहरहाल नबूवत की ज़रूरत इसीलिए है कि इंसान में अल्लाह तलबी पैदा कर दे। ज़रूरत नबूवत और इम्कान नबूवत पर कल इशारा किया था कि दो बहसें अलग अलग हैं, लेकिन बहरहाल वक्त महदूद है। 9 मुहर्रम तक सिर्फ गुफ्तगु है, मुसलसल गुफ्तगु तो होगी नहीं इस मौजू पर, इसलिए बहुत से मतालिब एक साथ इंसान पेश करता चला जाता है। और कल मैंने अर्ज़ किया था कि उरफा ने ज़रूरत नबूवत को साबित करने का अपना उसलूब इख्तियार किया, मुतकल्लिमीन ने अपना उसलूब इख्तियार किया, हुकमा ने अपना उसलूब इख्तियार किया, मगर क़ुरान मजीद ने नबूवत को एक वजूदी हकीकत के तौर पर पेश किया और उसकी तस्दीक करने वाले भी ऐसे थे जिन्होंने उस वजूदी हकीकत की तस्दीक की, तस्दीक की। आज ये वजाहत कर दूं कि कल बात लुत्फ की आ गई थी बरसबील मिसाल, मिसाल के तौर पर, लेकिन वो जो कल मिसाल के तौर पर बात आ गई थी, अब हवाला दे दूं, रेफरेंस दे दूं कि वही असासे फिक्र है इल्म कलाम में। इल्म कलाम यानी वो इल्म जिसमें दीनी एतिकादात पर इस्तिदलाल कायम किया जाता है, ख़ास तौर पर उसूल दीन पर इस्तिदलाल अक़ली कायम किया जाता है, उसे कहते हैं इल्म कलाम। उमूमियत पसंदाना तारीफ है ये, टेक्निकल डिफिनीशन और जिसे कहते हैं परफेक्ट लॉजिकल डिफिनीशन, वो सब क्लासरूम की बातें हैं, आम मजलिस की बातें नहीं हैं। मफहूम यही है कि उसमें उसूल दीन पर एतिकादात पर दलीलें कायम की जाती हैं। तो एतिकाद शनासी का जो इल्म है उसमें भी मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र हैं। इल्म कलाम एक इल्म थोड़ा एक इल्म है मगर उसमें मुख्तलिफ दबिस्तान हैं। भाई उर्दू शायरी है, उसमें एक दबिस्तान दिल्ली है, एक दबिस्तान लखनऊ है, अब एक दबिस्तान कराची तस्लीम कीजिए, एक दबिस्तान लाहौर रहा है, एक दबिस्तान हैदराबाद है, हर जगह की खसूसियतें अलग हैं, नज़रियात अलग अलग डेवलप हो जाते हैं, थ्योरियाँ डेवलप हो जाती हैं। इसी तरह इल्म कलाम है, एक अशायरा का मकतब फ़िक्र है, एक मोतज़िला का मकतब फ़िक्र है, एक इतना आशरी शियों का मकतब फ़िक्र है, एक गैर शिया अफराद का मकतब फ़िक्र है, मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र हैं। और फिर इल्म कलाम सिर्फ इस्लाम से वाबस्ता नहीं है, मसीही इल्म कलाम मौजूद है, यहूदी इल्म कलाम मौजूद है। तो इल्म कलाम में मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र हैं। अब देखना यह कि इल्म कलाम में नबूवत का इस्बात, मुसलमान इल्म कला इस्लामी इल्म कलाम में नबूवत का इस्बात किन किन नुक्ते नज़र से हुआ है। एक नुक्ते नज़र यही है कि नबूवत बर बिनाए लुत्फ ज़ात बारी ताला पर वाजिब लाजिम है, चूँकि वो खालिक है। आप अपने खालिक को नऊज़ु बिल्लाह ये समझते हैं कि वो किसी भी शय का ज़रूरतमंद है, मोहताज है, नियाजमंद है, हत्ता कि हमारा आपका नियाजमंद है वो, उसकी कोई ज़रूरत थी जिस ज़रूरत से हमें पैदा किया, उसकी कोई ज़रूरत थी एहतियाज थी जिसकी वजह से ये कायनात खल्क फरमाई, नहीं,
वो मुहताज नहीं है, नियाजमंद नहीं है, ज़रूरतमंद नहीं है, इसलिए कि एहतियाज आयन फ़क्र है। वो फ़कीर नहीं है, वो गनी अलल इतलाक है, गनी है, गनी अल्लाह सुबहानहु व तआला, गनी अलल इतलाक। फ़क्र, एहतियाज, नियाजमंदी, ज़रूरत, इसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता उसकी ज़ात में, तो फिर उसने पैदा क्यों किया हमें। वहाँ कहते हैं कि चूँकि वो फ़याव है, तवज्जो रहे, जो लोग गनी हैं या गनी बनना चाहते हैं, जो लोग सरमायादार हैं, सर्वतमंद हैं, दौलतमंद हैं, या दौलतमंद सरमायादार और सर्वतमंद बनना चाहते हैं, उन्हें जानना चाहिए कि अल्लाह सुबहानहु व तआला गनी है, और गनी होने का तकाजा क्या है कि इंसान फयाज हो, ज़ात गनी फयाज हो। जब दौलत हो और दौलत समेट कर रखी जाए, तो समेट कर रखने का मतलब ये है कि अभी फ़क्र बाकी है। जो समेट कर रखे वो फ़कीर होगा, गनी नहीं होगा। दौलत लुटाएगा, दौलत लुटाने वाला गनी होता है, दौलत समेट कर रखने वाला गनी नहीं होता, चाहे कोई हो, कहीं हो, कभी हो। हकीकतों को समझें, कह लेने दीजिए मुझे ये जुमला, कभी कभी भी वो शख्स, वो जात, वो फर्द गनी लकब का मुस्तहिक नहीं हो सकता जिसके लिए टोकना पड़े कि माल को खजाने में न रखो, लुटाओ। खजाने में रखे वो फकीर होता है, गनी नहीं होता। गनी ज़ाते हक है, और ये ज़ाते हक की सिफत गना अगर किसी में होती है तो वो खजाने में रखता नहीं है, बैतुल माल में झाड़ू देकर, माल लुटाकर, माल तकसीम करके बताता है मैं हूँ गनी, और उस गनी का जानशीन इस दुनिया। नबी के शागिर्द अली की सीरत है, ये उस अली की सीरत है जिसकी सीरत में नबी ने तसर्रुफ किया है। नबी भी बशर हैं, अली भी बशर हैं, नबी ने तसर्रुफ किया, अली ने तसर्रुफ को कबूल किया।
الفقر و فخری کہنے والا نبی جس شان غنا و استغنا سے اس دنیا سے گیا وہی شان اس کے وصی میں تھی. بیت المال میں جھاڑو دیتے تھے, جدھر مال آیا ادھر تقسیم ہوا, اور اس کے بعد جب دیکھتے تھے سب تقسیم ہو گیا تو دو رکعت نماز شکرانہ. اللہ اللہ, نماز شکرانہ ادا کرتے. بات کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہے, مگر میں عرض کر رہا تھا کہ رب اکبر غنی علی الاطلاق ہے, فقیر نہیں ہے, نیاز مند نہیں ہے, ضرورت مند نہیں ہے. تو چونکہ غنی ہے اس لیے فیاض ہے, کائنات اس لیے وجود رکھتی ہے کہ یہ اس کا فیض ہے. کیا ہے کائنات؟ فیض الہی ہے. کائنات فیض الہی ہے. سبب وجود کائنات کیا ہے؟ فیاضی, نہ کہ ضرورت مندی. ببین تفاوت رہ از کجاست تا بے کجا. لوگ سمجھتے ہیں اللہ نے مجھے کیوں پیدا کیا. جوان آتے ہیں جو زندگی کے مشکلات سے دوچار ہوتے ہیں اور ان میں انسانی اولو العزمی نہیں ہوتی. جوانوں, عزیزوں, تم سے خطاب ہے ہمارا. ذرا ذرا سی مشکلیں یا سختیاں زندگی کی, اسے تھک ہار کے شکوا کرنا, گلا کرنا اولو العزمی کے خلاف ہے. انسان جو اشرف المخلوقات ہے اس کی شان کے خلاف ہے کہ وہ مشکلات سے گھبرائے, اور اس لیے وہ جب گھبراتے ہیں تو اضطراب میں اعتراض کرتے ہیں, اللہ نے ہمیں کیوں پیدا کیا, مصیبت میں ڈال دیا, کیا ضرورت تھی. ارے اللہ نے پیدا کیا, یہ فیض ہے اس کا, کرم ہے اس کا. تمہاری ظرف کی کوتاہی یہ ہے کہ فیض کا تحمل نہیں ہو پا رہا. اس کی عطا, اس کی نعمت کی قدر دانی نہیں کر پا رہے ہو. اس نے خلق فرمایا, تخلیق کا نظریہ کیا ہے؟ نظریہ فیض. ہدایت کا نظریہ کیا ہے؟ نظریہ لطف. جب اس نے ازراہ فیض خلق کر دیا تو اب لطف مشیت, لطف ربوبیت, کرم الہی کا تقاضا یہ تھا. اور دیکھیے ہم پر جو تکلیف واجب ہوتی ہے اس وجوب کے معنی کچھ اور ہیں. اور جب ایک علم کلام میں کہا جاتا ہے کہ پروردگار پر یہ واجب ہے, لازم ہے, اس کے وجوب کے معنی کچھ اور ہوتے ہیں, اس کے معنی کچھ اور ہوتے ہیں. اسباب لطف, اسباب کرم اس پر یہ لازم ہے, اس نے خود اپنی ذات پر لازم قرار دے رکھا ہے, اس نے خود اپنی ذات پر لازم قرار دے رکھا ہے کہ جب کسی ماں کے آغوش میں بچہ دے گا تو اس کے سینے میں اس کی غذا دے گا. ماں بچے کی آرزو کرے گی, وہ صرف بچہ نہیں دے گا, بچے کے ساتھ بچے کی غذا بھی دے گا. جو ہے یہ ہے لطف کرم, لطف کبریائی, لطف ربوبیت, کرم الہی. وہ بچہ دیتا ہے, اولاد دیتا ہے, اولاد کی غذا بھی دیتا ہے. اسی طرح اس نے ہمیں وجود عطا کیا, اور وجود کے بعد ہماری روحانی غذا. انسان روحانی مخلوق ہے, اس کی غذا علم ہے, اس کی غذا معرفت ہے, اس کی غذا ذکر ہے, اس کی غذا خدا شناسی ہے. تو خدا شناسی اور ذکر اور علم اور معرفت, اس کو عطا کرنے کے لیے نبوت کا سلسلہ قائم. اور جس بشر کو نبی بنایا اس سے کہا کہ کہہ دیجئے میں تمہارا جیسا بشر ہوں, میں تمہارا جیسا بشر ہوں. تو ایک نظریہ یہ ہے کہ ضرورت نبوت اسباب لطف ہے, یہ علم کلام کا نظریہ, علم کلام اہل بیت. اور دوسرا نظریہ جو حکما کا ہے, فلاسفہ, فلاسفرس,
उनका नज़रिया ये कि नबूवत की ज़रूरत थी तमद्दुन साजी के लिए, चूँकि इंसानी मुआशरा है, इस मुआशरे को मुनज़्ज़म करना है, चूँकि मुआशरे को मुनज़्ज़म करना है तो मुनज़्ज़म करेगा कौन? कोई तो मुनज़्ज़म करेगा। ये मुमकिन नहीं है कि हर शख्स नाज़िम आला बन जाए। अगर हर शख्स नाज़िम आला बन जाए तो मातहत कौन होगा और वो नज़्म व ज़ब्त का इतलाक़ किस पर होगा, निफाज किस पर होगा? तो नाज़िम किसी एक को होना चाहिए, वो नाज़िम कौन हो? अगर इंसानों पर छोड़ दिया जाए फौरन आपका ज़हन खुद कहेगा इंसानों पर छोड़ दिया जाए तो अमन होगा या फसाद? यानी जिस चीज़ के लिए मुआशरे इंसानी को मुनज़्ज़म करना है, सोसाइटी ऑर्गेनाइज करनी है, वो गरज व गायत ही फौत हो जाएगी, वो मकसद ही हासिल नहीं होगा। इसलिए नाज़िम मुआशरे इंसानी वो होना चाहिए कि जो खालिक ने मुअय्यन किया हो, और खालिक जिसे मुअय्यन करेगा फिर वो ज़र्फ देख कर मुअय्यन करेगा, वो ये देख कर मुअय्यन करेगा कि कौन किस पर तसर्रुफ कर सकता है। जुमला अर्ज करूं, सिर्फ यही नहीं देखेगा कि कौन किस पर तसर्रुफ कर सकता है, बल्कि वो ये देखेगा कि ये अपने तसर्रुफ में तजावुज तो नहीं करेगा। तसर्रुफ की कुव्वत तो बहुत सौ में हो सकती है, मगर जो तसर्रुफ में तजावुज करे वो गैर मासूम होगा। जो तजावुज न करे बस उसी को मासूम कहते हैं, मासूम कोई और नहीं है, वो बशर वो इंसान कामिल जो मनसब इलाही पर फायज हो और तजावुज न करे, जुल्म न करे, जोर न करे, तादी न करे, उसी का नाम मासूम है, उसी का नाम मासूम है। ला मुशाहत फिल इस्तिलाह, टर्मिनोलॉजी में झगड़ना नहीं चाहिए हैं? ये जुमला याद रखिएगा, हम नबी को मासूम जानते हैं और नबी के का जानशीन भी उसी को मानते हैं जो मासूम हो। आइम्मा अहले बैत के ताल्लुक से हम कहते हैं ये मासूम हैं, बहुत से लोग मासूम नहीं कहते। मगर एक जुमला कहूँ, तमाम मिल्लत इस्लामिया से खिताब करके कह रहा हूँ, ये गौर कीजिएगा, जो भी इन्हें इस्तिलाहन मासूम नहीं कहते वो भी इन्हें खताकार नहीं कहते। फिर दस्ते अदब जोड़ के अर्ज करूं, फिर लफजी नजा है क्या? ये नजा नजा लफजी है, लफजों पर झगड़ रहे हैं? वो बुतों, वो पत्थर के बुत बनाते थे, आप लफजों के बुत बना रहे हैं? सलावत पढ़ दीजिए मोहम्मद बस वक्त तकरीबन तमाम हो गया, वक्त तकरीबन तमाम हो गया,
लेकिन एक फकरा और अर्ज़ कर लूँ, एक कलिमा गुफ्तगू आगे बढ़ जाए कि कल भी गुफ्तगू तकरीबन इस सतह तक पहुँच गई थी। अगरचे मैंने रेफरेंस कल नहीं दिया था कि ये नुक्ते नज़र हुकमा का है कि इंसानी मुआशरे को मुनज़्ज़म करने के लिए नबूवत की ज़रूरत है, और फिर वो नबी वो होगा कि जो अपनी ख्वाहिशात का ग़ुलाम ना हो। इसीलिए कुरान मजीद ने नबी की जहाँ पर तारीफ़ व तौसीफ बयान की है, वस्फ बयान किया है, सिफत बयान की है, मद्दाही नहीं। मद और वस्फ में फ़र्क है, मद और वस्फ में फ़र्क है। वो भी अगर वो मदह करे किसी की तो वो आपकी इस्तिलाह में निरी मद्दाही नहीं होगी, वरना अदालत किबरियाई के ख़िलाफ़ है, अदालत रब के ख़िलाफ़ है। परवरदिगार ने वस्फ बयान किया है, मा यंतिकु अनिल हवा, ये अपनी ख्वाहिश नफ्स से गुफ्तगू नहीं करते। जो अपनी ख्वाहिश नफ्स से गुफ्तगू ना करे वो कोई इकदाम क्या करेगा? जो लब कुशाई ना करे, समझिए इस मकाम, जो एक हर्फ ज़बान से अपनी ख्वाहिश के असर से न कहे, एक लफ्ज़ एक हर्फ मा यंतिको, नुत्क नहीं करता, गुफ्तगू नहीं करता, बात नहीं करता, कुछ कहता नहीं है, जो अपने हवाए नफ्स अपनी ख्वाहिश नफ्स के तहत कुछ कहे भी नहीं, वो कुछ कर कैसे सकता है? यानी जो कुछ कह नहीं सकता वो किसी को अपनी ख्वाहिश से उठा कैसे सकता है, बिठा कैसे सकता है? अगर वो किसी को बिठाता है तो भी समझना चाहिए कि हक की मर्जी से, किसी को उठा देता है तो वो भी हक की मर्जी से, हक की मर्जी से, अपनी ख्वाहिश नफ्स से नहीं। और इसलिए एक एक फकरा नबुवत की और वही की तस्दीक कैसे हो, वही की तस्दीक कैसे हो? अभी मैं बिल्कुल अजीब जाविये से गुफ्तगू कर रहा हूँ। इल्म कलाम में जो राइज इल्म कलाम है, मुतदावल इल्म कलाम है, ये वही मुंजल मिन अल्लाह नहीं है। कोई इल्म उसूल फ़िक़्ह इल्म कलाम वही मुंजल नहीं है। हम वही मुंजल से मदद लेते हैं मगर ये इल्म इंसानों ने डेवलप किया है और ये डेवलप होता चला जाएगा। हर उस्ताद के बाद उसका शागिर्द आकर कुछ इजाफा करता है, तो बहुत से मतालब इसी तरह इजाफा होते हैं, इसी तरह बाब इज्तिहाद खुला रहता है। मैं बिल्कुल अलहदा से एक सवाल कायम कर रहा हूँ कि कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम यूहा इलैया, या यूहा इलैया कहने वाला पैगंबर जब हमें से सुनाए कि ये वही इलाही है तो हम तस्दीक कैसे करें कि ये वही है या नहीं? जो कुछ कह रहा है ये वही है या वही नहीं है? कितना बड़ा सवाल है, छोटा सवाल नहीं है। और इसका जाहिर है कि बिल्कुल तकरीर आखिरी मरहले में एक जुमला आज कहूँगा और तफसील बाद में। एक मेयार याद रखिए और ये मेयार वो है जो तमाम उलूम इंसानी में काम आता है, तमाम उलूम इंसानी में। वही के वही होने की दलील ये है कि वो कभी भी काज़िब साबित नहीं हो सकती। सदाकत, सदाकत सच्चाई, जो बात कही जाएगी वही में वो हमेशा सच्ची होगी। दुनिया उसको गलत साबित करना चाहे मगर साबित नहीं कर सकती।
यह है शान वही। और चूंकि शान वही थी इसलिए रब ने उस बशर का इंतखाब किया वही करने के लिए जिसको पहले ही उसका मुआशरा सादिक के तौर पर कबूल कर चुका था। क्या है अलकाब पैगंबर? अस्सादिकुल अमीन, अस्सादिकुल अमीन, सच्चा और अमानतदार, सच्चा और अमानतदार, अस्सादिकुल अमीन। कौन कहता था अस्सादिकुल अमीन? पूरा अरब कहता था अस्सादिकुल अमीन। ये रोशन चेहरे वाला सच्चा है, ये अब्दुल्ला का आफ्ताब सच्चा है, ये अबू तालिब का माहताब सच्चा है, ये आमिना का दुर्र यतीम सच्चा है, ये फातिमा बिनते असद की गोद का पाला सच्चा है। सच्चा, अस्सादिक, 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 अल अमीन, अल अमीन, अल अमीन। वक्त बिल्कुल ख़त्म हो गया। एक बहुत बड़ी बहस को समेट कर एक जुमले में अर्ज़ कर रहा हूँ, इंशाअल्लाह आपकी ज़हानतें इसे कबूल भी करेंगी, महफूज भी रखेंगी और इसकी तफसील आइंदा गुफ्तगू में आएगी। अस्सादिक अल अमीन बज़ाहिर दो अल्फाज हैं, दो अल्फाज हैं, दो मफाहीम हैं, दो मानी हैं, मिसदाक दोनों का एक है। काश ये जुमला महफूज रह जाए, जो कौल में अमानतदारी रखे वो सादिक है, जो अमल में सदाकत रखे वो अमीन। सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले। सादिक को, अमल में सादिक को अमीन कहते हैं, कौल में अमीन को सादिक कहते हैं। यह अस्सादिकुल अमीन, अस्सादिकुल अमीन, साहिब वही इलाही, अस्सादिकुल अमीन। कभी भी इसकी कोई बात गलत नहीं साबित हो सकती, तारीख झुठला नहीं सकती। अगर इसने कह दिया है कि करबला में मेरा नवासा कत्ल हो तो वो नवासा कत्ल होगा। बस करबला मोहर ख़त्म नबुव्वत है, इसीलिए मैं अर्ज करता हूँ कि दलील ख़त्म नबुव्वत है ज़ात पाक हुसैन, दलील ख़त्म नबुव्वत। बस गुफ्तगू ख़त्म हो गई। आज तीन मुहर्रम है, दो मुहर्रम को हुसैन का काफिला करबला पहुंच गया, दो मुहर्रम को एक मजलिस बरपा हो चुकी, दो मुहर्रम को बाज़ रिवायतों के मुताबिक ज़ैनब को गश आ गया, मगर बस दो मुहर्रम को गश आया है, उसके बाद फिर कभी ज़ैनब को गश नहीं आया। अल्लाह अकबर, क्या मर्तबा है ज़ैनब। दो मुहर्रम के बाद अजरकुम अल्लाह। बस मैं गुफ्तगू जारी रखता हूँ। दो मुहर्रम के बाद ज़ैनब के लिए अगर रिवायतें पाई भी जाती हैं तो वो गलत हैं, ज़ईफ़ नहीं, गलत रिवायत। बहुत सी बाज़ रिवायतों में है, बाज़ किताबों में है कि जनाब ज़ैनब शब आशूर गश खा गई। जो बीबी शाम गरीबा गश न खाए, जो बीबी आसरे आशूर जिसे गश न आए, उस बीबी के लिए ये कैसे तसव्वुर किया जा सकता है? गशी से
इफाके के बाद उसी दो मुहर्रम को जनाब इमाम हुसैन ने ज़ैनब से एक बड़ा काम लिया है, बहुत बड़ा काम लिया है। और वो काम ये लिया है कि जब दुश्मनों ने कहा कि हम यहाँ खैमा नहीं लगाने देंगे, हम नहर के किनारे तराई पर खैमा नहीं लगाने देंगे, तो हुसैन के अस्हाब को जला लगा। ज़ुहैर क़ैन ने कहा हमारे होते हुए मजाल है किसी की कि खैमे यहां से हट जाएं? आस्तीनें उलट लें। ऐसे माहौल में उस शेर की क्या कैफियत होगी जिसका नाम अब्बास है। वो अब्बास जो अली की दुआ है, वो अब्बास जो खास करबला के लिए हक की अदा है। अब हुसैन को अंदेशा हुआ कि ज़ुहैर ने आस्तीनें उलट ली हैं, कहीं ऐसा ना हो अब्बास को जला ला जाए, इसलिए खैमे में आए। फिर बहन ज़ैनब, हमें इस इम्तिहान से गुजरना है, हमें आजमाइश में पूरा उतरना है, हमें कुर्बानी देनी है, ये अमानत इलाहिया है, इस अमानत को संभालना है। बहन ने कहा भैया फिर क्या इरादा है, मुझसे मुताल्लिक क्या वजीफा है? कहा बस एक काम कर दो बहन, अब्बास को बुला के समझाओ, अब्बास से कह दो इसरार न करे, खैमे हटा दे। वक्त खत्म हो चुका, आज मसाइब में बहुत कुछ अर्ज करना था मगर अब अर्ज नहीं करूंगा। न जाने किस दिल से, किस कैफियत के साथ सरने उड़ाए हुए अब्बास खैमे से निकले। ए ज़ुहैर, अब मैं तर्जुमानी कर रहा हूँ, ए ज़ुहैर इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, खैमे हटा दो। खैमे हटा दिए गए। मैं फिर कहूंगा आका अबू अब्दुल्लाह, आपने खैमे हटवा दिए मगर सातवीं मुहर्रम से खैमों से अल्लाह तश की आवाजें बुलंद हो जाएंगी। नन्हे नन्हे बच्चे हाथों में कूजा लिए हुए पुकारेंगे, या बता हलातश, या अम्मा हलातश। بقضائه وتسليما لأمره معبود ہمیں علوم قرآن اور معارف اہل بیت سے آشنا فرما، پروردگار ہمیں دامن ختم نبوت سے وابستہ رکھ، پروردگار ملت اسلامیہ کو سرفراز فرما، ملت اسلامیہ کو تہذیب آل محمد کے سانچے میں ڈھال دے، معبود تمام عالم بشریت کو برکات اسلام سے سرفراز فرما، پروردگار اپنے ولی آخر کو اذن ظہور عطا فرما اور ان کے ہاتھوں سے اپنی رحمت کا پرچم لہرا دے۔ ابھی ہمارے چینل عزادار حسین کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔